देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात साधिकार डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। आज एक अलग पड़ाव पे हैं, एक अलग सीरीज पे हैं, एक अलग परिचर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक देखते हैं दीदी जी पर आधारित संक्षिप्त वीडियो। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र, शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंच तत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष कार्यक्रम में। परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मार्च 2012 में मुंबई में जो शनिश्वर नाइट प्रोग्राम हुआ था, वह बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था और काफ़ी पेपर में भी वो बड़ा फेमस हुआ था। उसमें आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, ये बॉलीवुड का मेरा पहला प्रोग्राम था। मैं बॉलीवुड के लोगों से ज़्यादा परिचित नहीं थी, पर बॉलीवुड जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो नाम है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीतकार। तो संगीतकार में वर्तमान में प्यारेलाल जी शर्मा जी जो हैं वो मेरे फैन थे और ज्योतिष के मार्गदर्शन को फॉलो करते थे, और मैंने कुछ दिनों पहले ही उनसे मुलाकात की थी, यानी 2009 में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस समय से लेकर और 2012 के शनिश्वर नाइट प्रोग्राम होने तक के हमारे रिलेशन एक रियल बहन भाई के जैसे हो गए थे। तो एक प्रस्ताव हमारे पास में आया कि शनिश्वर नाइट का प्रोग्राम रखेंगे, उसका नाम रखेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम और शनिश्वर नाइट। तो फिर हमने शनिश्वर नाइट का एक प्रोग्राम रखा और उसका लक्ष्य जो था वो ये था कि एक हमने संगीत की सीडी बनाई थी। उस समय सीडी का प्रचलन था, आज तो वो सीडी का प्रचलन नहीं रहा। तो 2012 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में, यानी प्यारेलाल जी अपने आप को पूरा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही नाम देते हैं, तो उनके संगीत में और 8 दिन मुंबई में एक स्टूडियो लेकर और उनके फेमस सिंगर के साथ में, जैसे कविता कृष्णमूर्ति हैं और अपना शेल हांडा है, बेला शेंडे हैं, ऐसे फेमस कलाकारों के साथ में, सिंगरों के साथ में एक बहुत सुंदर सीडी तैयार की शनि जगराता के नाम से। तो वो शनि जगराता के नाम से जो सीडी थी, तो उसका ये लक्ष्य था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सम्मुखानंद हॉल में इसका विमोचन करेंगे उन सिंगरों के साथ में जिन सिंगरों ने इसमें गाया है, और साथ में दूसरे ऐसे सिंगर भी आएंगे जो जैसे अनूप जलोटा हैं या
शब्बीर खान है, ऐसे सिंगर भी आएंगे जो पुराने हैं, ओल्ड हैं फिर गोल्ड हैं, और उस वो पुराने सिंगर शनि भजनों को गाएंगे और हम शनि शो नाइट प्रोग्राम करेंगे और सीडी के दिए गए गीतों को भी दोहराया जाएगा। अच्छा खासा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया था ये 12 मार्च 2012 को हुआ और शम्मुखानंद हॉल में हलचल मच गई बड़े पैमाने पर। बड़े बड़े सिंगर आए, आर्टिस्ट आए, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आए, फिल्म निर्माता आए और बड़े ही धूम से शनि जगराता की सीडी की ओपनिंग हुई। उस समय मेरी एक किताब जो इंडिका प्रकाशन से छपती थी, वो मेरी 22वें नंबर की किताब थी उन दिनों, तो इंडिका प्रकाशन से एक शांति पूजा की किताब, शनि शांति के अद्भुत उपाय, ये किताब बहुत फेमस हुई, आज भी अमेजोन पर है। तो उस किताब का विमोचन भी उन्हीं दिनों होना था, तो सीडी का विमोचन और किताब का विमोचन दोनों लगभग एक ही साथ हो गया, इसलिए प्रसिद्धि ज़्यादा मिली। संस्कार चैनल ने इसको लाइव दिखाया था और वहाँ के सारे केबल चैनल में भी लाइव दिखने के नाम से मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाई, या बॉलीवुड में मेरी एक नई पहचान बनी, जो बाद में इतनी गहरी पहचान हो गई कि मैंने लगभग 100 बॉलीवुड कलाकारों के ऊपर मैं उनके डेट ऑफ बर्थ लेकर एक किताब बनाई, और जिस किताब की प्रसिद्धि भी काफ़ी हुई, और मेरा वह पहला लेखन बॉलीवुड स्टारों की जन्म पत्रिका के लिए था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मैंने एक नया रिसर्च दुनिया को दिया। बहुत सुंदर दीदी, सीरीज तो बहुत लंबा है लेकिन हम वही मुख्य मुख्य तथ्य, मुख्य मुख्य पॉइंट उठा रहे हैं जो आपका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब बात कर रहे हैं हम 2015 की, जून 2015 में आप प्रजापति ब्रह्म कुमारी माउंट आबू सेंटर पे आपका बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ था, वो काफ़ी फेमस था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, हुआ ये था कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के माउंट आबू में उनके 24 जून को हर साल एक फंक्शन मनाया जाता है, उनकी वो जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की जो माँ थी उन्हें मुम्बा कहते हैं, तो उनके नाम पर ये फंक्शन होता है। अब उस फंक्शन में 24 जून को कोई ना कोई चीफ गेस्ट के रूप में महिलाओं को बुलाया जाता है और महिलाओं के लिए ये प्रधानता होती है फंक्शन की। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के माउंट आबू सेंटर में महिलाओं को प्रमुखता देने के लिए महिला के सत्र में महिलाओं को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, तो मुझे भी चीफ गेस्ट बनाकर वहाँ पर बुलाया गया। और यहाँ के सेंटर वाले जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के प्रमुख लोग थे, शीला दीदी वगैरह, वो सब मुझे लेकर गए वहाँ पर, और मैंने वहाँ दीप प्रज्वलन किया और मैंने वहाँ पर 3 दिन का उनका आयोजन भी अटेंड किया, तो मेरी स्पीच रखी गई वहाँ पर। अब मेरी स्पीच नारियों को मोटिवेशनल स्पीच थी, नारी समाज के लिए थी कि नारी का आज क्या उत्तरदायित्व है और नारी समाज आज कितना बदल रहा है ज़माने को, तो महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मेरी स्पीच माउंट आबू के मंच पर हुई। वो लाइव दिखाई उन्होंने, चूँकि उनके तो 170 देशों में बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्षेत्र चल रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड चैनल जो उनका खुद का है वहाँ से ये लाइव प्रसारण था, तो ये लाइव प्रसारण पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में दिखा। और स्पीच में कुछ ऐसा दर्द था, कुछ ऐसी वेदना थी जो मैंने प्रकट की कि लोगों को अनुभव हुआ कि मैंने जो भोगा है और मैंने जो सहा है और मैंने जिस संघर्ष से बढ़कर आज महाराष्ट्र में शनि आश्रम बनाया है और कैसे नेतृत्व किया है, किस तरीके से शिगनापुर में जो महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं था, या महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए बंधन थे, या वैदिक काल में महिलाएं आगे थीं पर अब धर्म के क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिबंध थे, और किस तरीके से संघर्ष से मैंने वो दीवारें तोड़ी और उस पर विजय पाई, तो वो सब जो मेरी प्रस्तुति थी वो लोगों को हार्ट टच कर गई, और इसलिए वो पूरा लाइव प्रसारण इतना फेमस हुआ कि उन्होंने माउंट आबू के स्टूडियो में मेरा एक इंटरव्यू रखा, एक मुलाकात शादी का दीदी के साथ। वो इतना फेमस हुआ कि आज भी उनके स्टूडियो के नाम से, उनके यूट्यूब चैनल पर वह एक मुलाकात के नाम से लोग देखते रहते हैं और मोटिवेट होते रहते हैं। बहुत सुंदर दीदी, अब हम आते हैं नवंबर 2016 में राजीव गांधी स्टेडियम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में एक 7 दिन का बहुत भव्य
शनि कथा का बड़ा आयोजन किया गया था और वो बड़ा फेमस हुआ था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ, लोगों ने पहले शनि कथाएं सुनी थी और छोटी बड़ी कथाओं के माध्यम से कुछ अंधविश्वासी भी थे, कुछ गलत मान्यताएं भी दिमाग में बिठा ली थी। तो जब ये लाइव प्रसारण हुआ संस्कार चैनल के माध्यम से और 7 दिन तक के इतने बड़े स्टेडियम में जब ये कार्यक्रम चला और बॉलीवुड के कई व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए शाम को शामिल होने के लिए आए, तो लोगों के अंधविश्वास टूटे। उन्होंने मेरी लाइव स्टोरी को सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने समझा मेरी बायोग्राफी को कि किस तरीके से मैं सब त्याग करके आती हूँ और किस तरीके से मैं फिर रंग से राजा बन जाती हूँ, तो बनाता नहीं कोई शनि जैसा बनने वाला आदमी चाहिए। तो उन्होंने जो मुझसे सत्य को जाना और जो मैंने सत्य घटना के आधार पर लाइव स्टोरी बताई पूरी, उससे वो लोग बहुत प्रभावित हुए। तो टीवी चैनल को भी काफ़ी TRP मिली और वहाँ पर इस प्रोग्राम को भी बहुत प्रसिद्धि मिली। इस प्रोग्राम के माध्यम से तो फिर जैसे प्रोग्राम की लाइन सी लग गई और फिर लाइव प्रोग्राम हो या रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हो या डी लाइव प्रोग्राम हो, संस्कार चैनल में, आस्था चैनल में या सत्संग चैनल में या श्रद्धा चैनल में, साधना चैनल में, सभी में लगभग ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलने लगे। तो प्रभाव उसका बहुत पड़ा और बाहर की पब्लिक बहुत जुड़ी और अंधविश्वास के बादल छड़े। लोगों के दिमाग से शनि को लेकर जितने अंधविश्वास थे, बहम थे, परंपराएं थीं, गलत मान्यताएं थीं, जो भी अज्ञानता थी, वो सब धुल गई और एक सुंदर विज्ञान सामने में आया और एस्ट्रोलॉजी का सही स्वरूप मैंने लोगों के सामने में रखा। एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, ज्योतिषाचार्य होने के नाते, राइटर होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते, जितनी नॉलेज मुझे जिस क्षेत्र में थी, मैंने भरपूर उस सत्संग में लोगों को नॉलेज दी। दीदी, शनि शांति अनुष्ठान आप बहुत किए, ऐसा नहीं है कि क्या कहा जाता है 2020 में ही हुआ, इससे पहले भी शनि शांति अनुष्ठान बहुत आपका हुआ, लेकिन जनवरी 2020 में जो शनि शांति अनुष्ठान जो आपका हुआ वो काफ़ी फेमस था, शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए। उसके लिए ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणना के अनुसार हर 2.5 वर्ष में शनिदेव का यात्रा परिवर्तन होता है, एक राशि से दूसरी राशि में उनका प्रवेश होता है। इसे महाराष्ट्र के अंदर में शनि पलट कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसे शनि राशि परिवर्तन दिवस कहते हैं। तो जनवरी 2020 में क्या था, शनि राशि परिवर्तन दिवस था। वैसे तो हम हर 2.5 साल में शनि राशि परिवर्तन दिवस मनाते हैं, किसी बड़े स्थान पर, बड़े मैदान पर भारी भरकम मंच बनाते हैं। जैसे उसके पहले जब यही राशि परिवर्तन 2.5 साल पहले जब हुआ था, 2014 में भी हुआ था, तो उस समय भी हमने बड़ा फंक्शन किया, फिर 17 में किया, ये 20 में भी किया। तो हम देखते हैं कि जब ये राशि परिवर्तन दिवस होता है तो राशि परिवर्तन पर हम एक उत्सव मनाते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि में शनिदेव का प्रवेश होगा। तो ज्योतिष की गणना ये कहती है कि पूरी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपने आते हुए शनि का स्वागत किया तो आप अनुकूलता के साथ में बहुत कुछ जीत जाएंगे और प्रसन्नता का लाभ उठाएंगे, और सोए रह गए तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो हर 12 राशि पर प्रभाव पड़ता है। उस दिन 3 राशियों की 7.5 बदलती है, 2 राशियों का ढैया बदलता है और स्थान परिवर्तन होने से किसी को षडाष्टक शनि और किसी को पॉजिटिव शनि ऐसा दिखाई देता है। तो फिर सारी 12 राशियां मिलकर शनिदेव का स्वागत करती हैं और हम बड़ा उत्सव मनाते हैं। तो ये उत्सव था हमारा शनि राशि परिवर्तन का और ये 7 दिन चला। शनि राशि परिवर्तन 24 जनवरी 2020 का था, तो हमने 19 जनवरी को से ऑडिटोरियम बुकिंग करने चालू किए और 19 जनवरी से लेकर हमने 19 जनवरी को तापड़ी ऑडिटोरियम में बड़ा फंक्शन किया जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। और उसके बाद में फिर ये कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम चलता रहा 25 जनवरी तक। तो 24 जून को इसमें शनि राशि परिवर्तन का दिवस भी आ गया और साथ में 25 जून की शनि अमावस्या भी आ गई। तो इसके संदर्भ में हमने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रखा था। तो संगीतकार जो प्यारेलाल जी हैं बहुत सुंदर वायलिन बजाते हैं, पर मूढ़ी हैं, उनको कोई बजवा नहीं सकता। आप बड़े बड़े फंक्शनों में देखते हैं, टीवी के कार्यक्रमों में देखते हैं, कहीं वो जज बनकर जाते हैं तो कभी मन करता है और लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ के, तो वो कभी थोड़ा सा वायलिन बजाते हैं। फिर हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया था और लक्ष्य था हमारा कि इस बार हम जो संगीतकार प्यारेलाल जी हैं उनका वायलिन सुनेंगे और सारी पब्लिक को उनका वायलिन मंच से सुनाएंगे।
उन्होंने हमें प्रसन्न किया, उन्होंने हमारी बात को रखा और वायलिन पर दो प्यारे प्यारे सुंदर गीत बजाए। सब मंत्रमुग्ध से हो गए कि आज 80 साल की उम्र के आसपास में उनका जो जुनून है संगीत के प्रति और जो वादन के प्रति और जो मिठास है और जो संगीत में बिल्कुल आज 50 साल पहले 40 साल पहले जो गीत कभी संगीत बनाया था उन्होंने वो आज हूबहू वैसी नकल बजाते हैं। तो इससे उस समय प्रसिद्धि बहुत मिली, पब्लिक बहुत आई थी, लोगों ने उनको मतलब देखा आँखों से, नज़दीक से देखा। मेरे पास में उन्होंने वायलिन बजाई और मैंने कहा एक गीत और बजाइए, तो उन्होंने डबल भी बजाया और वो मुझे रियल बहन के जैसा मानते भी हैं, तो मेरी हर बात को रखते हैं। फिर हवन यज्ञ अनुष्ठान में भी भाग लिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2010, 11, 12, 13, 14 ऐसे वो कंटिन्यू बार बार उनका आना होता रहा और शांति पूजा में वो भाग लेते रहे किसी न किसी नाम से, कभी लाइव प्रस्तुति तो कभी संगीत की प्रस्तुति, और हमारा कहीं ना कहीं रूप में रिश्ता ऐसे ही निभता रहा। तो उन्होंने बॉलीवुड की कई हस्तियों को हमारे साथ जोड़ा और कई बार हम बाहर के क्षेत्रों में भी एक साथ चीफ गेस्ट बनकर गए। दीदी, इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी 2021 में रामानंद सागर की सागर आर्ट्स की टीम के साथ आपका एक बहुत विशाल कार्यक्रम बना था, वो कार्यक्रम क्या था उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सब जानते हैं रामानंद सागर की जो प्रसिद्धि है वो रामायण के निर्माता होने के नाम से हुई, और उनके जो बेटे हैं प्रेम सागर, आनंद सागर, इन सब की मीटिंग मेरे साथ हुई थी महिमा शनिदेव जी की सीरियल को लेकर। क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना था और शनिदेव जी का महात्म्य ज्ञान गहरा था मेरे साथ में, तो हमारी मीटिंग इसी विषय को लेकर सागर आर्ट्स में हुई। उन दिनों दयाशंकर पांडे जी को शनिदेव बनाया जा रहा था, तो ऊर्जा की बहुत ज़रूरत थी, और जो प्रेम सागर हैं उनके बेटे शिव सागर जो ये फिल्म बना रहे थे महिमा शनिदेव जी की, तो उनके काल सर्वदोष की शांति और इनके महिमा शनिदेव जी में जो शनिदेव का रोल अदा कर रहे थे उनके पितृदोष की शांति, तो ऐसे जो भी जरूरी जरूरी था जो मुझे सौंपा गया था कि मैं उनको चार्ज करूं और मैं इनके शांति विधान करके एक बहुत अच्छे पैमाने पर इसको कामयाबी का शिखर पहना दूं, तो फिर मैंने वैसे ही किया। ये लोग औरंगाबाद आए एंटू सिटको के शनि मंदिर में, मैंने शिव सागर जी का शांति विधान किया। फिर ये दयाशंकर पांडे जी जो शनिदेव बने उनका तो 3 साल तक आना हुआ, तो तीनों साल अलग अलग शांति विधान, एक बार काल सर्वदोष की शांति, फिर एक बार पितृदोष की शांति, तो ऐसा चलता रहा। और उनके साथ में और भी काफ़ी एक्टर लोग ग्रुप बनाकर शांति पूजा में बैठते रहे, जैसे आपने नाम सुना होगा आशित मोदी का, जिन्होंने एक आपके सब टीवी में सोनी सब टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लंबे सालों से उनका ये सीरियल चल रहा है, उनके द्वारा भी शांति विधान में वो उन्होंने भी भाग लिया। ऐसे बीच बीच में अनेक प्रकार के एक्टर्स यहाँ आते रहे, पुनीत इस्सर भी आए जो दुर्योधन का रोल अदा कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता रहा। और लगभग नहीं तो एक 45 से 47 लोगों का लगभग यहाँ आना जाना रहा 2009 से लेकर 2020 के बीच में, और लोगों ने अच्छा लाभ लिया और मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान भी दिया। तो ये जो सब हो रहा था ये इसलिए हो रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर थी और शनि शांति अनुष्ठान में एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके पौराणिक ज्योतिष पद्धति से और पूरी तरह से एक नवीन पद्धति से मैं करा रही थी, जिसमें कि उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। तो ये आयोजन बहुत सफल हुआ और रामानंद सागर जी का जो परिवार है वो हमारा एक फैमिली परिवार, जैसे कहते हैं ना एक हम फैमिली मेंबर बन गए। तो ये सीरियल चला महिमा शनिदेव जी की कई सालों तक, 3.5 साल तक। फिर उसमें जो प्रेम सागर जी थे उन्होंने मन में ये सोचा कि क्यों ना हम दीदी जी को लेकर एक बड़ा सीरियल बनाएं या अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसे सीरियल को तैयार करें, जिसमें शनि रहस्य नाम रखेंगे और 100 एपिसोड उसके तैयार करेंगे। और जो रामानंद सागर जी का एक पुराना यूट्यूब चैनल है जिसको सागर वर्ड्स के नाम से लोग जानते हैं, उस पर हम ये शनि रहस्य देंगे।
फिर वो अपनी टीम लेकर आए जनवरी 2021 में। फिर उन्होंने कई दिन रहकर शनि आश्रम को सेटअप देकर स्टूडियो बनाकर फिर हमारे साथ में शनि रहस्य जैसे आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से मैं और शिव सागर जी और उनकी टीम वगैरह ऐसा वार्तालाप करके एक शनि रहस्य सीरियल के नाम से बनाकर हमने बहुत उसमें लोगों को ज्ञान दिया। और उसके एंकर और उसका इंटरव्यू लेने के लिए खुद शिव सागर जी साथ में होते थे तो और भी प्रसिद्धि का कारण रहा। तो आज भी वो उनके सागर वर्ड पर शनि रहस्य के नाम से बहुत सारे एपिसोड हैं और अभी चालू भी है, आगे के बन जाते हैं, पीछे की एडिटिंग होते रहती है तो अभी भी चालू ही है। तो इस तरीके से वो योग संयोग बना, शनिदेव जी की मर्जी थी, मैं उसकी माध्यम बन गई और मुझे माध्यम बनाकर शनिदेव जी को लोगों का हृदय परिवर्तन करना था, अंधविश्वास मिटाने थे, ज्ञान की ज्योत जलानी थी तो वो कार्य होता चला गया। यदि बहुत सुंदर आपने ये मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दिया। अब एक मेन जो आपका प्रोग्राम चलता है सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ, ये सुभारती चैनल पे चलता है आपका प्रोग्राम और काफ़ी फेमस प्रोग्राम भी है और इसके कई सारे सीरीज आए, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, सुभारती चैनल के बारे में कैसे पता चला और सुभारती चैनल से आप कैसे जुड़ी? जी हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, मैं बताना भी चाहती थी। मैं ज़्यादातर धार्मिक चैनल देखती हूँ, जब अवसर मिल गया तो कोई सत्संग लगा लिया, कोई धार्मिक बातें लगा ली, तो जितने भी ये आस्था चैनल से लेकर और वैदिक चैनल तक, सुभारती चैनल तक, जितने भी क्रम से सब टाटा स्काई में दिखाई देते थे, जो भी टाटा प्ले हो गया है, तो मैं अक्सर देखा करती थी, कभी ये चैनल बदलना, कभी वो चैनल। तो एक दिन मैंने सुभारती चैनल को लगाया तो उसके नीचे एक पट्टी चल रही थी राष्ट्र निर्माण से संबंधित, कि राष्ट्र निर्माण के लिए लोग हमें संपर्क करें, हम राष्ट्र निर्माण में समर्पित हैं। तो कुछ बात ऐसी थी, वो राष्ट्र निर्माण के लिए वो टाइटल ऐसा था, वो जो रनिंग पट्टी थी वो ऐसी थी जिसमें शायद वो मेरठ यूनिवर्सिटी से चलाई जा रही थी या सुभारती टीवी के माध्यम से, वो परमानेंट वाली पट्टी है वो, कि जिसमें राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित और हम राष्ट्र के लिए एक नया कार्य कर रहे हैं और नया कार्य करने जा रहे हैं और आप आमंत्रित हैं, ऐसा कुछ था। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुई, मैंने कहा कि अपना अपना प्रचार प्रसार तो सारी दुनिया कर रही है पर राष्ट्र के बारे में कोई सोच रहा है तो वो सुभारती है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने धीरे से वो कॉन्टैक्ट नंबर जो मुझे दिखा उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैंने कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने कहा कि मुझे सुभारती टीवी के सीईओ साहब से बात करनी है और मुझे सुभारती टीवी के स्लोगन ने बहुत प्रभावित किया है, तो मैं भी राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हूँ, मैं कुछ चाहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण के लिए मैं बहुत अच्छा काम करूँ। तो बस ये मेरा मुलाकात का एक सिलसिला था कि मैंने अचानक वो नंबर नोट किया और सीईओ साहब से मेरी बातचीत हो गई। बहुत अच्छा दीदी, आप बहुत अच्छा सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के बारे में जो आपका कार्यक्रम सुभारती चैनल पे चल रहा है, आज भी चल रहा है, उसके बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सन 2022 की बात करता हूँ, जनवरी में आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हुआ था और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी था कि सुबह के सत्र में आपका स्पेशल एपिसोड शूट होता था सुभारती संवाद के नाम से, जिसमें मैं खुद आया था उस कार्यक्रम में, और शाम के सत्र में आपकी शनि कथा का आयोजन होता था जिसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे, उस कथा के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए। वो असल में कथा सुभारती टीवी के लिए ही हमारे आयोजक ने इंदौर में रखी थी, क्योंकि अभी तक लोगों ने शनि पुराण डायरेक्ट लाइव नहीं सुना था, शनि पुराण टीवी पर नहीं सुना था। मैंने ऑडियो शनि पुराण का बनाकर डाला था पर ये वीडियो नहीं बना था, और वैसे कथा प्रसंगों में लोग शनिदेव जी की कथाएं सुनते रहते थे। अब मन में एक विचार आया, जब मैंने सितंबर महीने में 2021 में एक ऑडियो तैयार किया और उसके 17 एपिसोड बनाए जिसका नाम था शनि पुराण, वह शनि पुराण आधारित था मेरे लिखे हुए शनि पुराण ग्रंथ पर। मैंने 2003 में एक शनि पुराण ग्रंथ लिखा था और वह जालंधर के एमीरा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। वह इतना लोकप्रिय हुआ कि मुझे भी कल्पना नहीं थी कि मेरी कलम शनिदेव जी के लिए इतना अच्छा लिखेगी। मुझे जितनी नॉलेज थी 2003 में तो मुझे उतनी खास नॉलेज भी नहीं थी, पर जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से शायद मैं जमाने को जो दे रही थी वो उन्होंने पहली बार समझा और पहली बार उसको पढ़ा,
तो वो हाथों हाथ जो भी 5,000 के बुक से निकली थी वो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद में फिर 3-4 साल में जब वो ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे वो प्रिंटिंग के जो रेट थे वो बहुत बढ़ रहे थे। पहले तो प्रकाशक ने अपने खर्चे से निकाला था तो बुक निकल गई। अब उसके बाद में फिर हमने वो कम बुकें थी तो उनको संभाल के रख लिया कि अभी हम इसे बुक को नहीं निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी से प्रचार प्रसार करेंगे। अब मन में एक भाव आया कि मुझे शनि पुराण को ऑडियो बनाना है, क्योंकि अब यूट्यूब का प्रचलन हो चुका था 2015-16 से। तो फिर मैंने मन में जो विचार आया उस विचार को क्रियान्वित किया और सितंबर 2021 में मैंने यूट्यूब पर शनि पुराण का ऑडियो डाला 17 एपिसोड बनाकर। वो इतना फेमस हुआ कि उस सितंबर 2021 के ऑडियो ने हमें ये प्रेरणा दे दी कि इसे वीडियो होना चाहिए था। लोग कह रहे थे ये वीडियो में नहीं है क्या, हमें देखना है, ये टीवी में नहीं है क्या। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि इंदौर में हम एक शनि पुराण कथा रखते हैं, उसमें सुभारती टीवी को बुलाएंगे और सुभारती टीवी के माध्यम से वीडियो बनेगा और फिर इसको 17 एपिसोड बना के अब हम टीवी पर दिखाएंगे, जिसे लोग ज़्यादा आनंदित होकर देखेंगे। क्योंकि ऑडियो में और वीडियो में दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, तो फिर और वीडियो में जो जितना ज़्यादा आ सकता है ऑडियो में उतना ज़्यादा आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी लिमिट होती है कि इतना बड़े से ज़्यादा ऑडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, जबकि वीडियो में हम 3 घंटे भी वीडियो में बोल सकते हैं। तो फिर शनि पुराण कथा हुई और आपको आमंत्रण मिला। आयोजक ने बहुत मेहनत की और हमारे जो आयोजक थे प्रदीप अग्रवाल जी, उन्होंने पहले भी हमारे 5 प्रोग्राम इंदौर में किए थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश में पहले से ही शनिदेव जी की भक्ति का बहुत प्रभाव रहा है। तो फिर ये शनि पुराण जब आपका यूट्यूब पर हमने डाल दिया और आपके यहाँ जब दिखाया गया शनि पुराण वीडियो के रूप में हर शनिवार को शुभारती संवाद साधिका दीदी के साथ में, तो फिर इतने फ़ोन आए, इतने मैसेज आए, इतने मेल आए कि हम तो धन्य हो गए। हमें लगा कि ये कार्य भगवान ने हमसे करवा के लिया और इसमें भी कोई रहस्य छुपा था, लोगों को ये सब सुनना था। 80-80 साल के लोग हमें धन्यवाद दे रहे थे कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने कभी इतनी मिठास शनि पुराण में नहीं देखी, शनि पुराण का नाम ही नहीं सुना, हमने जाने ही नहीं कभी कि इतनी सत्यता है और इतने उपाय हैं और इतना अच्छा है ये शनि पुराण। तो पहली बार लोगों ने नाम भी पहली बार सुना, उसका कथा प्रसंग और उसकी खूबसूरती, उसका विज्ञान भी पहली बार जाना। इसके लिए तो मैं हमेशा सुभारती टीम की आभारी रहूँगी कि उन्होंने शनि पुराण को दुनिया तक पहुँचाया इस कार्यक्रम के माध्यम से।
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।